1 लाख से 5 लाख रुपए जी कैसे पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे होगा? ठीक है, बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ अलहमदुलिल्लाह हिंदुस्तानी होने के नाते कि हमने जापान की कंपनी को भी मशीन सेल की है। वाओ, जापान को हमने सेल किया भाई, जापान की कंपनी को। यहाँ पर जो बबल्स हो रहे हैं ये स्ट्रांगनेस बता रहा है। हाँ, ये स्ट्रांगनेस है इसका। वाओ, एवरीबॉडी दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम माय टू चैनल सेजू व्लॉग। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आया हूँ सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के पास। आप लोग ने थंबनेल पे देखा कि भैया यहाँ पे आप लोग 1 लाख से 5 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते हो, वो सब आपको अंदर लेके चलूंगा। हमारे अल्तमस भाई है जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इनका काफी जबरदस्त बिजनेस भी है। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो रियल बेवरेज का पूरा यह ऑफिस है, लेकिन हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं जो इनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पर हर एक मशीन असेंबल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मिनिमम कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप लोग मंथली कितना रुपया किस तरीके से कमा सकते हो। तो आज का सारा क्वेश्चन मैं अल्तमस भाई से पूछूंगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे काम चालू है, प्रोडक्शन चालू है, लेकिन हमारे यहाँ पे अल्तमस भाई जो हैं उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। यहाँ पे अल्तमस भाई शायद तक थोड़े बिजी रहेंगे और क्योंकि यार इतना बड़ा बिजनेस है और क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे अल्तमस भाई पीछे कुछ काम कर रहे थे। कैसे हो अल्तमस भाई? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अच्छे हो? बस बढ़िया अल्तमस भाई। तो अल्तमस भाई से मिलके काफ़ी बढ़िया लगा। इनका खुद का एक चैनल है रियल बेवरेज नाम से और 87 के सब्सक्राइबर है शायद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली बात, हमने जो मैंने सुना कि 1 लाख से 5 लाख रुपये जी कैसे पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे होगा? बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो आसानी के साथ हो जाएगा जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे पास से अगर सोडा बॉटलिंग प्लांट लेते हो, जंबो मॉडल हमारा जो है उसके अंदर दिन के अंदर 15 से 20 हज़ार बॉटल का प्रोडक्शन कर लोगे विद CO2 विदाउट CO2। ठीक है, अच्छा, पर बॉटल प्रॉफिट जो है 2 रुपये। ठीक है, हम 2 रुपये के बदले 1 रुपये ही गिन ले हम। अच्छा, आप कुल मिलाकर 10 हज़ार रुपये का अगर प्रॉफिट करते हो तो भी आप मंथली 3 लाख रुपए आराम से कमाओगे। मंथली 3 लाख रुपए आराम से? बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर आपका ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा बिजनेस हो गया तो 5 लाख, उससे भी ज्यादा जा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से 6 लाख रुपए तक आप जा सकोगे। और प्रॉफिट ज्यादा है, हम लोग कम बताते। देखो मेरा एक मिजाज है कि मैं कस्टमर को अपना जो होगा कि भाई हम लोग कैसा एक सोचते हैं कि भाई हम लोग कहीं सफर करने जा रहे हैं, जर्नी में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा बजट एक नक्की करेंगे कि भाई मुझे 10 हज़ार रुपये खर्च करना है जी। अगर 9 हज़ार रुपये खर्च होगा, 1 हज़ार रुपये बचेगा तो हमें क्या लगेगा? 1 हज़ार रुपये बचा लिया। ठीक है, मगर होता क्या, 9 हज़ार तो खर्चा हो गया, मगर 11 खर्च होगा तो आपको दुख होगा 1 हज़ार रुपये मेरा ज्यादा खर्च चलेगा। तो इस तरह ही हमारी सोच ऐसी कि मैं 1 रुपया प्रॉफिट क्यों बताता हूँ? अगर कम प्रॉफिट होगा आपको 2 रुपया बोलूंगा और कम होगा तो आपको क्या लगेगा? झूठ बोला नहीं, हमारे सिस्टम वो है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं एक चीज बता दूँ, यहाँ पे जब से मैं आया हूँ ना, यहाँ पे पूरा काम होता है फैक्ट पे, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता है। क्योंकि अगर झूठ बोला जाता है तो इनका जो चैनल है 87 के सब्सक्राइबर है वो अभी तक नहीं बने होते। और माशाल्लाह जो हमारे अल्तमस भाई ऑलरेडी इतने बड़े यूट्यूबर हैं अहमदाबाद के अंदर, फिर भी यहाँ पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताओ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट छोटी मशीन है हमारे पास, अगर आपके पास कम इन्वेस्ट है और आप छोटे स्केल से अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 2-2.5 लाख रुपए के खर्च से अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट कर लोगे। अच्छा, हाँ, अपना खुद का एक ऐसा ब्रांड होगा, मैं बताऊँ आपको। आइए जी, आप ऐसा ही सेम ब्रांड अपना, देखो हमने यहाँ पर रियल लिख दिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पर रियल लिख दिया, इसमें आप मर्जी चाहे नाम लिख दो अपना। अच्छा, अपना नाम खुद का भी लिख सकते हैं? आप खुद का नाम लिख दो, आपको जो मर्जी चाहे आप नाम लिख दो इसके अंदर, अपनी मर्जी चाहे आप ब्रांड बना दो इसको और अपने ब्रांड से इसको आप बाजार में सेल करो। तो ये नाम जो है वो खुद कैसे लिख सकते हैं? मैं आपको बताऊं, जैसे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें हमने हमारी कंपनी स्टार्ट की तो हमने रियल लिख दिया जी। ठीक है, अब आपका जो भी होटल, जैसे हमने कई कस्टमरों को मशीन दी है, हमारे एक मुंबई में कस्टमर बिग बॉस नाम लख दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, हमारे बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने रियल नाम रख लिया, किसी रॉयल रख लिया। अहमदाबाद में काफी ज्यादा लोग फेमस है, मुझे लगता है शायद यहीं से स्टार्टअप किया क्या उन्होंने? बिल्कुल नहीं सर, अहमदाबाद से स्टार्ट, कई कस्टमरों ने मशीन वहीं मंगवा ली हमारे पास से, बम्बई में मशीन हमारी लगी है। ठीक है, वहीं उन्होंने मशीन मंगवा के उनका काम स्टार्ट कर लिया उन्होंने, हमने पूरा गाइड कर दिया। वो जॉब करते थे, ठीक है, वो जॉब करते करते उनको ऐसा लगा कि मैं मुझे मशीन लेना चाहिए और ये ब्रांड स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने पहला वीडियो कहीं देखा होगा। उन्होंने हमसे छोटा मशीन लिया पहले, 1+1 का। हाँ, ठीक है, और लेने के बाद उनको काम अच्छा लगा, हमने जो बातें की थी मतलब पूरी निकली, उनको अच्छा। प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा था, हर कुछ चीज़ सारी हो रही थी। ठीक है, अल्लाह के फजल से दूसरा मशीन फौरन ऑर्डर किया उन्होंने, यहीं से। हाँ, यहीं से 4 महीने के अंदर उन्होंने बड़ा मशीन लिया हमसे जंबो। अच्छा, उसके बाद बड़ा कैपर लिया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद अभी उनका फोन रिसेंटली आ गया थोड़े दिन पहले जी, हमारे सियाद भाई है, कहता सर मैं, मेरी जॉब चालू है, 30,000 रुपीज़ मेरा सैलरी है, 30,000 रुपीज़ मैं क्या करूँ, इसे छोड़ दूँ?
क्योंकि इनका काम ही इतना अच्छा चल रहा है, बोले मैं पहुंच नहीं पा रहा है, मेरे पास प्रोडक्शन ये सर 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले उनका फोन आ गया मुझ पर। मतलब आपको फुल सपोर्ट था क्या? हाँ, अल्लाह का शुक्र हम लोग सपोर्ट। एक क्वेश्चन रहेगा अल्तमस भाई मेरा, सॉरी डिस्टर्ब करूँ आपको, समझ लो मैं इसके ऊपर 2.5 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी, तो मुझे सेट मतलब क्या बोलते सेफ्टी कैसे आप मतलब दिलाओगे कि आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है? देखो सर बहुत अच्छी बात ये है, प्रॉफिट मिलने वाला है ये बात हम लोग एक दिमाग से बोल रहे हैं कि भाई आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। 5 रुपए का बोतल घर में पड़ता है, ठीक है, 10 रुपए इसका MRP है, ये 7 रुपए में सेल होता है, 8 रुपए में सेल होता है, आप जैसा आपके ऊपर डिपेंड है उसको कैसे आप सेल करते हो, ठीक है। प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, सेल होगा तो मिलेगा, फिर सबसे बड़ी चीज है मुकद्दर सर, नसीब। हम आपको ये बोल सकते हैं सर कि हम सोचते जितना उतना कर सकेंगे, हम सोच हमारी इतनी है कि भाई हाँ ये करेंगे हम, आगे आपके नसीब है सर। मगर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी, आपको एक बात बताऊं जी कि अल्लाह के फजल से आज तक ऐसा हमारे पास नहीं हुआ है कि भाई कहीं कस्टमर परेशान हुआ, दो पैसा कमाता ही कमाता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार बेचारे परेशान हो गए माइनस हो गए। तो सर अल्तमस भाई मुझे एक और बात बताओ, अभी तक माल आपकी मशीन कहाँ कहाँ तक पहुँची है? अल्लाह के फजल से वैसे तो बहुत सारी मशीन हम लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और उसके अलावा अल्लाह के फजल से बाहर आउट ऑफ कंट्री में मशीनें भेजते हैं। आउट ऑफ कंट्री? हाँ बिल्कुल, अल्लाह यहाँ से बिल्कुल सर, हमारी मशीन अफ्रीका में लगी है, ठीक है, बहुत गर्व के साथ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी होने के नाते कि हमने जापान की कंपनी को भी मशीन सेल की है। वाओ, जापान को हमने सेल किया भाई, जापान की कंपनी को मशीन सेल कर रहे। तो अच्छा, जिसे समझ लो अहमदाबाद वालों के लिए तो आप डिलीवरी यहीं से करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आउट ऑफ अहमदाबाद वालों के लिए क्या सर? हर अब हम ट्रांसपोर्ट मशीन डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बुकिंग जितनी भी आती है उनकी मशीन हम PCI ट्रांसपोर्ट से लगा देते, मशीन वहाँ से छुड़वा देते, फिर हमारी कंपनी के इंजीनियर वहाँ पहुँच करके उनको सारा गाइड कर देंगे टोटल जी। सिंगल पीस तो खरीद ही सकते हैं? हाँ सर, जैसे एक मशीन है सिंगल मुझे खरीदना है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है सिंगल, आप लोग चाहो जितनी मशीन दे सकते हो, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट होना चाहिए आपके पास कंप्लीट, आपकी कंपनी चालू हो जाएगी 2.5 लाख में कंप्लीट इंशाल्लाह। और ये चीज अगर रास्ते में कहीं डैमेज हो गई तो उसका क्या? नहीं सर देखो, डैमेज तो कैसा है कि हम लोग जो DCI से देते हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस होता है उनका, अच्छा वो क्लेम आप कर सकते हो, वैसे अभी तक हुआ नहीं, हमने बहुत सारी मशीनें भेजी कभी ऐसा हुआ नहीं। पैकेजिंग आप बता सकते हो कैसे पैक होकर? पैकेजिंग हम पूरा इसके अंदर आर्मर शीट जो फॉर्म होता है उसमें पैक करते मशीन को, ये हाँ मशीन ये पैक हुआ मशीन पड़ा है। तो गाइस आप लोग ये मशीन देखो, ये पूरा पैक हुआ है, इस तरीके से पैक होके जाता है, और आप लोग कहीं से भी ये मशीन मंगवा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 2-3 चीज और बताने वाला हूँ मैं आप लोग को, कि यहाँ पे अलग अलग टेस्ट किस तरीके से फील हो रहा है, ये मशीन कैसे काम करती है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर कितने टाइप के फ्लेवर एडेड हैं? सर आप 40 तरीके के अलग अलग फ्लेवर इसमें बना सकते हो, 40 अलग अलग जरूरी है फ्लेवर बना, 40 फ्लेवर अलग अलग बना सकते हो। दूसरी अच्छी बात आपको बताऊं मैं, हमारी कंपनी आपको सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक मेहनत करेगी आपके पीछे, आपको रिप्लाई देगी कि आपको फ्लेवर में अब मजा आया तब तक, यानी ये जीरा फ्लेवर है, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर ये जीरा चलता है, एक बात समझिए, कई जगह पर मीठा चलता है, कई जगह पर फीका चलता है, कई जगह पर नमकीन ज्यादा होता है, कई जगह पर नमकीन कम होता है, कोई भी फ्लेवर, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, आप चालू करोगे, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए, यस, आप अपने परिवार को पिला रहे हो तो उनको मजा आना चाहिए, अपने दोस्तों को भी तो उनको मजा आना चाहिए, फिर आप बाहर बेचोगे ना। तो जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा हम आपको अलग अलग फ्लेवर बताएंगे इसमें, कि सर आप देखो आप बोलोगे जीरा अभी कम है इसमें टेस्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है, आप बोलोगे यानी हमको बताएंगे इसको कैसे बढ़ाना है, यानी मतलब ये मशीन पूरा सेटअप होने के बाद आप सिखाएंगे भी? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग पूरा पूरा इनको गाइड करेंगे, पूरा मतलब आपको पूरा गाइडेंस मिलने वाला है कि आप देखो सीधी बात है, पैसा दो सारा ये खुद लगा रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं, खुद बता रहे हैं, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा सब कुछ ये खुद कर रहे हैं, फिर आप एक दिन जब सीख जाओगे और मतलब ऑटोमेटिक आपको तो पैसा कमाना ही है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो मशीन है किस टाइप से काम करती है, सॉफ्टवेयर से या क्या बोलते हैं और भी इसकी कुछ लैंग्वेज होगी? बिल्कुल सर, ये हमारी मशीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये मशीन जो है हमारी जंबो लगी हुई जी, ये पूरी 100% 304 स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है जी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी इसको बनाती है। दूसरी अच्छी बात बताऊँ, हमारी मशीन सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, बिल्कुल सर, ड्राइवर बेस्ड नहीं है, नॉर्मल कोई भी बंदा खड़े होकर काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको उसकी थोड़ी सी बात बताऊँ, आइए बेटा सर, तो यहाँ पर आ जाओ, आप इसको थोड़ा सा समझिए, देखो ये ट्राइमर बेज नहीं है मशीन है, देखो हम इसको यहाँ से सप्लाई चालू करके सोडा हमने पुश किया, सोडा चालू, ठीक है, हमने यहाँ से सप्लाई इसका बंद कर दिया, एक एग्जांपल, ठीक है, देखो ये सोडा है, हमने इसको मारा, ये सोडा का बटन दबाया, हमने इसका सप्लाई बंद कर दिया जी, ठीक है, सप्लाई बंद हो गया मगर यहाँ से बंद नहीं होगा, अब इसको समझिए, देखो ट्राइमर होता तो अभी बंद हो जाता, क्योंकि इसको पता चल जाए इसका
इसका टाइमर पर कॉइल ऑपरेट होता, टाइम पर बंद करता, मगर इसको पता है कि मेरे अंदर सप्लाई पूरा नहीं हुआ है, ये बात को समझ गया। अच्छा, CO2 का क्या मामला होता है आपको बताऊं मैं। CO2 जो है ना, जितना सप्लाई होता है उतना ठंडा होता है, ठंडा होता है ना तो उसमें अपने आप ही सप्लाई अप डाउन करता है, तो अप डाउन करने पर या प्रेशर अप डाउन होता है उसका, अप डाउन होने पर सोडा कभी प्लस भराएगा कभी माइनस भराएगा, अगर आपकी मशीन टाइमर वाली है तो। और अगर आपकी मशीन सॉफ्टवेयर वाली है, देखो ये सॉफ्टवेयर वाली है तो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट ही बनाएगा। मैंने इतनी देर बंद रखा इसको, इसको जो हमने काउंट किया वही है, देखो ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे ऊपर ज्यादा नहीं होने वाला, बिल्कुल आप देखिए इसको, आप नोटिस कीजिए, देखो हमने यहाँ पर ये सोडा भरी जी, ठीक है हमने यहाँ पर ये सोडा भरी, यहाँ पर हमने सोडा भरी, ये टाइमर नहीं है, देखो इसको समझिए। कस्टमर लोग आजकल ऐसा बोलते हैं हमारी मशीन डिस्प्ले लगा दी सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्प्ले लगाने से सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अच्छा, हाँ डिस्प्ले लगाने से सॉफ्टवेयर नहीं होता है, डिस्प्ले अलग चीज है, डिस्प्ले तो हम डिस्प्ले के अंदर भी सॉफ्टवेयर टाइमर लगा सकते हैं, बड़ी डिस्प्ले, इतनी बड़ी डिस्प्ले दे दो और उसके अंदर टाइमर लगा, वो आप फिट कर सकते हो, अगर किसी को चाहिए तो भाई अपने हिसाब से बनवा लेना, लेकिन ये ऐसे काम कर रहा है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है, इसको आप समझिए। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया उसका क्या होता है, ये अभी भी हमने इस पर इतनी सोडा भरी, ठीक है, और सोडा का बटन दबाया, हमने ऐसे आउटपुट उसका बंद कर दिया, आप इसको समझिए, आउटपुट बंद कर दिया, टाइमर होता तो ये बंद हो जाता मगर बंद नहीं हो रहा है, सेंस कर रही है पूरी मशीन, हाँ सेंस पता है कि मेरे अंदर से मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ये समझ रही बात, ठीक है उसका काम यहाँ तक पूरा होना है उसको। हमने जो अगर उसका ML सेट किया वहाँ पर 170 ML या 100 ML जो भी आपने सेट किया है, उसका काम जब तक पूरा नहीं होगा वो यहाँ से बंद नहीं होगी। देखो ये मैं खाली यहाँ से मैन्युअली माल ओपन करता हूँ, देखो उसका काम शुरू हो गया, मैंने कोई बटन नहीं दबाया जी, ठीक है, ये देखो उसका काम उसने पूरा कर लिया मेजरमेंट के साथ, तो ये बात है, बात इसको सॉफ्टवेयर इसके लिए बोलता है। अच्छा दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, सोडा हमारी इतनी स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह पीने में कि आप बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, इतनी स्ट्रांग सोडा होगी, आप इसको पियोगे आप बोलोगे नहीं इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मशीन का काम ही है। ब्रांड बन सकते हैं, बिल्कुल सर, कंपटीशन में उतर सकते, बिल्कुल एक नंबर ब्रांड बना सकोगे अपनी। देखो सर हर काम के अंदर मेहनत सर है जी, ठीक है मेहनत आपको करनी होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे पीछे से, ठीक है हम बेचने नहीं आएंगे इसको, तो मगर आपको ही मेहनत करनी होगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा काम। ऐसे बात करते करते कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन है, मशीन तो चलो हमने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं जी, महीने के बाद मेंटेनेंस कितना देगी? सर मशीन में मेंटेनेंस जीरो है, जीरो मेंटेनेंस, हाँ, जीरो मेंटेनेंस मशीन में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 लाख किलो, एक एग्जांपल दूं आपको, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला रही हो ऑयल चेंज करो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है मशीन, कुछ भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो मेंटेनेंस कब तक सर? ये अल्लाह ने चाहा, देखो एक बात समझो, सेफ्टी होती है, आपके घर में AC लगा है जी, ठीक है AC के अंदर कोई मेंटेनेंस आपको याद है? बस ब्लोअर मारो हवा सफाई करो उसकी, खत्म, सफाई करो खत्म। इसको कभी आपने सुना कि भाई इसमें हर महीने आपको ये डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ गैस डालना पड़ेगा? यहाँ पे आपका एक बार इन्वेस्ट के बाद दूसरी बार आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक क्वेश्चन हो रहे जी सर कि ये समझ लो मेरे पास ये रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो वो कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल हम आपको इसको पहली बार जब आप मशीन हमसे खरीदोगे हम आपको पूरा गाइड करेंगे, भाई ये बोतल कहाँ से मिलेगा, ये स्टीकर कहाँ से मिलेगा, ये फ्लेवर कैसे बनाना, ये केप कहाँ से मिलेगा, इसका LD पैकिंग का बंच कैसे बनेगा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ गाइड, कुछ पहले से लास्ट से फर्स्ट से लेकर A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी हमारे पास इंशाल्लाह। अच्छा ये मशीन महंगी है सर, इसमें पर डे का 20,000 बॉटल प्रोडक्शन है, जो हाँ आपको मैं जो सस्ती मशीन बताऊँ ये वाली है, ये वाली हाँ, इसमें डबल कॉम्प्रेसर है, इसमें भी एक सिंगल आएगी, 2000 बॉटल पर डे निकालेगी आप, 2000 बॉटल पर डे मतलब महीने की हो गई, 1+3 की मशीन होगी, एक सोडा एक सिरप एक पाउच फिलिंग और एक पानी, 1+3, तो इसके अंदर भी फ्लेवर बना सकते हैं सर, बिल्कुल हर चीज आप इसमें जो कर रहे हो करोगे, मगर बात ये होगी कि इसके अंदर से आप प्रोडक्शन 2000 बोतल ही निकाल सकोगे, जबकि इसमें 20,000 बोतल। तो गाइस आप लोग किस, तो सीधी सी बात है, अगर ये मशीन स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ से और अगर आपका वहाँ पे ब्रांड बन गया चल गया तो ऑलरेडी आप मतलब ये तो खरीदना ही है आपको, आप ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सर जी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि यार जो मार्केट में अगर मैं घूम रहा हूँ और मुझे ठंडा पीना है तो देखो यार मैं वही ठंडा पीऊंगा जो स्ट्रांग होगा, ताकि तुरंत ही मुझे मतलब अच्छा फील हो, तो आपका बोतल कितना स्ट्रांग है आप बता दे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल ये हमारा बोतल है, ये आपको हमने फील कर दिया है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि थोड़ा पास से दिखा दो इसको, इसको हमारा जो है कि भाई ये देखो बिना हिलाए अभी बोतल को हमने रखा है, ये कॉमन, ठीक है एक ही कॉमन होगी, अब आपको मैं बताता हूँ, इसको हम हिलाएंगे और हिला देंगे अगर तो ये कितना स्ट्रांग है ये देखिए आप, वाह ओ भाई साहब ये जस्ट अभी बन के निकला है, और ये देख लो आप लोग इससे स्ट्रांगनेस पता चल जाता है, तो इसको पी सकते हैं क्या? बिल्कुल सर अभी अभी पीने के लिए, अभी अभी पीने के लिए आप पीजिए, चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते क्या आ रहा है। देखो इसको प्लेन सोडा कहते हैं, ये इतना स्ट्रांग है देखिए इसको, ये जो बबल सोडा है ना जो ये जी देखो यहाँ पर जो बबल सोडा है ना ये स्ट्रांगनेस बता रहा है, ये स्ट्रांगनेस है इसका, वाओ गाइस मैं खुद पिया इसको, काफी जबरदस्त लग रहा है, मतलब यार सर जी आपकी क्वालिटी एक नंबर है। हम मेन चीज क्या होता है देखो यार, ये चीज
हर किसी को बिजनेस करना है लॉकडाउन के बाद, ज्यादातर लोग टूट चुके हैं लेकिन उनको नया बिजनेस करना है। मुझे भी कॉल आता है पर्सनली कि सिराज भाई ऐसा कोई बिजनेस बताओ ताकि यार हम लोग आगे निकल सके। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोग को ऐसा लगे कि ये कॉल पिकअप नहीं करेंगे तो मैं इनको आपको इनका ऑफिस दिखा देता हूँ, जहाँ पे इनकी पूरी टीम 24 आवर कितना सा टाइम बताया आपने, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक रेगुलर काम कर रही है। तो मैं आपको वो एक बार आपकी बात को रोक करके बीच में एक बात बता दूं। जी देखो, सोडा बॉटलिंग प्लांट बहुत जगह पर मिलता है, बहुत सारे लोग बेचते हैं उसे, ठीक है, मगर बहुत बड़ी बात होती है एक्सपीरियंस की, ठीक है। कंपनी को बनाने को, बनाने वाली कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रियल बोरे सोडा मशीन कंपनी अव्वल नंबर पर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये सोडा जो है ना, ये हम लोग आपको दिखाने के लिए, मशीन चेक करने के लिए नहीं निकाल रहे, हम इसको ऑलरेडी बेचते हैं। हमारा 2017 से बाजार के अंदर बिक रहा है। अच्छा, हाँ, ये हमारी बिक्री चालू है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मशीन के बारे में नॉलेज है कि भरने के बाद, फिलिंग के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, बाजार में जब बिकने के लिए जाता है तो फ्रिज में रख के बाहर निकालोगे तो उसका क्या हाल होगा, बेचने के लिए उसका रिएक्शन क्या होगा, कस्टमर इसको खरीदेगा तो कौन सी, यानी कौन सी चीज़ का हमें ध्यान रखना था, हमारे कस्टमर नाराज ना हो, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हमारे पास जानने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि ये हर एक चीज इनकी टीम में दिखाता हूँ, तो मतलब 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप एनी टाइम कॉल करो, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फ्री सर्विस आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। वो उसके लिए जैसे मशीन हमसे जो मशीन खरीदते हैं ना, हाँ, उनके लिए हमने एक पूरी टीम अलग रखी है, पूरी इंजीनियर टीम अलग अलग है, वो जो आपको देखने नहीं मिलेगी वहाँ पर, ओके। उनका अलग ही जगह है पूरा, वो अलग ही बैठते हैं, उनका टीम ही अलग है। अच्छा, आपको सर्विस, बैक सर्विस के लिए सर, आफ्टर सेल सर्विस के लिए पूरी टीम अलग है, मगर आप परचेस के लिए आओगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि हमारे पास कितना बड़ा टीम हो, ठीक है। तो आप जैसे कि मैं जो बाल बोल रहा था आपको कि भाई ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप बॉटलिंग प्लांट कहीं से भी खरीदे सर, हमारे लोग, आप देखो ये वाहिद रियल बेरे सोडा मशीन कंपनी ऐसी है कि आपको ये बोलेगी कि आप दो जगह पर मशीन देख के खरीदिए। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह रियल बेरे सोडा मशीन कंपनी आपको ये बताएगी कि आप बॉटलिंग प्लांट खरीद रहे, इतना पैसा लगा रहे हो आप दो चार जगह पर देखिए, कहीं भी देख लो, हाँ, फिर यहाँ देखो, फिर हाँ। तो ये बातें आपको इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगी, ठीक है। फोन खराब मशीन ले लिया बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मशीन चलना बहुत बड़ी बात है, आपका ब्रांड का चलना बहुत बड़ी बात है, आपको चलाने के लिए हमारा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और पैसा निकालना बहुत बड़ी बात है जो आपने डाला है, बिल्कुल, और निकालने में तो आप इस बात का ख्याल रखें। मैं आपको इंशाल्लाह हमारा ये डिपार्टमेंट तो जरूर बताता हूँ, आप उसको देखिए मतलब आइए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप लोग पीछे में किस तरीके से काम हो रहा है। सर जी मुझे लग रहा है कि ये तो खाली दिखाने के लिए, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, बिल्कुल सर, इसकी तो हमारा बॉडी यूनिट पूरा अलग है, वो कभी दिखाएंगे इन फ्यूचर, हाँ इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा जरूर। यहाँ पे इनको मैं आपको इनकी पूरी टीम दिखा देता हूँ कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वाओ गाइस, यहाँ पे इनकी टीम इस तरीके से काम कर रही है, और भी बहुत सारी मशीन यहाँ पे रखी हुई है, बट वो अभी आपको नहीं दिखाएंगे, फ्यूचर के अंदर बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो एक बार आप लोग देख लो ये पूरा इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। एनी टाइम आपको कॉल करना है, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल करो। बिजनेस कैसे करना है सब कुछ जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिल जाने वाली है, कॉल पर ही मिल जाने वाली है। तो कुछ बचा है क्या अल्तमस भाई? नहीं, वैसे सब कुछ आ गया, फिर भी आप अगर कुछ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि मुझे ये पूछना बाकी रह गया, इनका मुझसे पूछना बाकी रह गया, आप हमें फोन करें, हम आपको इंशाल्लाह सारा रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम बताया हूं, तो इनका जो चैनल है रियल बेवरेज, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। यहां का पूरा मोबाइल नंबर सर जी से बात करना है वो, और हर एक चीज़, हर एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मिल जाएगा, एड्रेस भी यहाँ का मिल जाएगा, लोकेशन भी मिल जाएगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो यहीं पे एंड करें क्या अल्तमस जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे आप लोग कमेंट करना क्या बाकी रह गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।